नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों आज भी ऐसा उपाय लेकर के आया हूँ जो दोस्तों ये उपाय कभी फेल होता ही नहीं है, कभी भी दोस्तों ये उपाय फेल हो ही नहीं सकता है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। मैं ये नहीं कहता इसका रिजल्ट तुरंत में आपको आज के आज ही मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे आप इस उपाय को करते जाएंगे आप देखेंगे कि आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। तो उससे पहले दोस्तों आपको ये बता दूं कि कभी भी आप जो होते हैं, कभी भी अपने आप को ये ध्यान दीजिए दोस्तों कि आपको शिकायतें, जो शिकायत होती है, ये कभी नहीं करना है आपको कहीं भी, ना अपने आप से करना है, ना भगवान से करना है, ना दिव्य शक्तियों से। कभी भी आपको दोस्तों शिकायत नहीं करना है, और कभी भी कोई आप उपाय करते हैं तो उसको हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा अच्छा सोचना है। आपके मन में जैसे कोई ख्याल आता है कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको उसको तुरंत उस विचार को काटते हुए आपको ये बोलना, हाँ ये वर्क करेगा, ये वर्क करता है, लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है, मुझे भी प्राप्त होगा, आपको ये बोलना है हमेशा। अब दोस्तों जो मैं उपाय आपको बताने वाला हूं, अगर ये उपाय आपने कर लिया तो सारा ब्रह्मांड, यानी कि पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स आपकी मनोकामना पूरी करने में लग जाएगा। दोस्तों एक आपने कहावत सुनी होगी कि किसी को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो ये दोस्तों सिर्फ एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ही 100% सही है, ये कि अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से, पूरे विश्वास से, फेथ से करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उन चीजों को आपको देने में लग जाता है। लेकिन दोस्तों फेथ होना चाहिए, उतना विश्वास आपका अटूट होना चाहिए कि ब्रह्मांड आपका सहायता करे, आपको देने में लग जाए, इतना अंदर विश्वास लाना पड़ेगा आपको। तो ऐसे एक उपाय मैं आपके सामने लेके आया हूं कि जिसको आपने कर लिया तो सारा ब्रह्मांड आपको हर वो चीज देगा जो आप चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं। तो जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीन ग्रंथों में गूढ़तम रहस्य, खास उपाय, टोने टोटके, इन सभी की जानकारी आपको प्रदान करते हैं। अगर आप भी इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे हमारे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी और आप इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं आगे की जानकारी। तो दोस्तों इस उपाय को आपको सुबह सुबह में आपको करना है, जब भी आपकी नींद खुलती है तो आपको एक चीज का याद रखना है कि आंख खुलने से पहले, यानी कि आपकी नींद खुल जाए, आपको ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दिन में आप नहीं कर पाएंगे लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये आपने कर लिया तो इस ब्रह्मांड की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप हासिल ना कर सको, हर वो चीज आपको मिलेगी जो आप चाहते हैं। तो आपको करना यह है दोस्तों कि आपको जैसे ही आपकी सुबह नींद खुलती है तो आपकी आंख ना खुले, आपको थोड़ा सा एक दो दिन, चार दिन, पांच दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपकी आंख ना खुले और आपको अपने दोनों हाथ अपने सामने आ जाए, यानी कि आपका दिमाग जग जाए लेकिन आपकी आंखें नहीं खुलना चाहिए, आपको आंखें नहीं खोलना है, आप नींद से उठ जाएंगे और आंखें नहीं खोलेंगे। और अपने दोनों हाथों को, अपने सीधे हाथ को उल्टे तरफ और उल्टे हाथ को सीधे तरफ, ऐसे आपको कर लेना है, ऐसे आपको इस तरीके से कर लेना है। आंख खुलने से पहले, यानी कि आपकी आंख बंद है, आपकी नींद खुल गई है, उससे पहले आप दोनों हाथों को ऐसे कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, अपने उल्टे हाथ को सीधे तरफ ले आएंगे और सीधे हाथ को उल्टे तरफ ले आएंगे। उसके बाद में आपको एक मंत्र बोलना है, ये मंत्र दोस्तों सब जानते हैं लेकिन इस मंत्र का उपयोग कैसे करना है ये किसी को नहीं पता है। तो इस मंत्र को बोलना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, आपको यहां देखते हुए, यहां पे देखते हुए, सबसे पहले आप दोनों हाथ जब सामने ले आएंगे तो उसके पहले यहां देखेंगे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, मतलब कि ये मंत्र बोलेंगे जब आप, पहले आपको मंत्र याद कर लेना है और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी बोलते हुए यहां पे आप सरस्वती माता का ध्यान करेंगे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदे प्रभाते कर दर्शन। ये आपको तीन बार या पांच बार इस मंत्र को दोहराना है अपनी दोनों हथेलियों को देखते हुए। इतना करने के बाद में आपको अपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ में, ये आपका सीधा हाथ होगा या आप क्रिया कर लेंगे, उसके बाद में सीधे हाथ की ये वाली उंगली से, बीच वाली उंगली से आपको उल्टे हाथ में अपने ईष्ट देव का, बिना किसी चीज से, सिर्फ ऐसे ही आपको उनका नाम लिखना है, अपने ईष्ट देवता का, यहां पे आप इस उंगली से नाम लिख लेंगे, मध्यमा उंगली से आपको अपने ईष्ट देवता का नाम लिख लेना है। इतना करने के बाद में दोस्तों एक मंत्र और मैं आपको बता रहा हूं, ब्रह्मा मुरारिस त्रपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चा गुरुश्च शुक्र शरीराहु केतवे सर्वे ग्रह मम सुप्रभातम। यानी कि हम नौ ग्रह से, जो हमारा प्लानेट है,
उनमें जितने भी ग्रह हैं, सुबह उठने के बाद में आप उनसे अपने दिन को शुभ होने की, मंगल होने की कामना कर रहे हैं। और जब नौ ग्रह आपके सही रहेंगे तो आपका दिन एकदम शुभ जाएगा। और डेलिया बेस को अगर डेली बेस पे आप कर लेते हैं तो आपका हर एक दिन आपका शुभ होने लगेगा, हर दिन आपका मंगल होने लगेगा। और सुबह उठते ही दोस्तों इतनी क्रिया करने के बाद में आपको यह करना है कि आपको भगवान को सबसे पहले धन्यवाद देना है। ये आप कर लेंगे कराग्र वस्ते लक्ष्मी, उसके बाद हम बोलेंगे ब्रह्मा मुरारी स्तपुरंधकारी, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। आपने इष्ट देवता भगवान का नाम लिख लिया, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में दोस्तों आपको भगवान को ग्रेटिट्यूड सेंड करना है, यानी कि ग्रेटिट्यूड देना है ब्रह्मांड में। आपको बोलना है थैंक्स फॉर एवरीथिंग, हर एक भगवान से बोलना है हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए, हर एक बड़ी से बड़ी चीज के लिए, जो भी मुझे मिला है, जो भी मुझे मिला था और जो मुझे मिलेगा। मिलेगा किसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप ग्रेटिट्यूड देंगे, जो आपके पास था, जो आपको मिल चुका है और जो मिल रहा है, इन चीजों को ग्रेटिट्यूड करने के बाद में आप एक इंटेंशन लेके बोलेंगे कि जो भी मुझे मिलेगा, तो जो आपको चाहिए, जितना आपको चाहिए, जितना पैसा चाहिए, घर चाहिए, घोड़ा चाहिए, बंगला चाहिए, जो भी चाहिए, तो उसको इंटेंशन मन में रखते हुए आप बोलेंगे कि जो मुझे मिलने वाला है उसके लिए आपको धन्यवाद है। हर वो चीज आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगी जब आप ग्रेटिट्यूड देंगे भगवान को, थैंक्स बोलेंगे भगवान को। और दोस्तों अगर आप नंबर 24 यहां पे यूज करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इस नंबर को लिखते हुए आपको बोलना है शुक्राना शुक्राना शुक्राना, यानी कि भगवान को शुक्रिया अदा करना है। आपको हर एक छोटी से छोटी और एक बड़ी से बड़ी चीज के लिए आपको भगवान को शुक्रिया अदा करना है। आप ये उपाय करके देखिए दोस्तों कैसे चेंजेस आते हैं आपकी जिंदगी में, कोई भी परेशानी नहीं आएगी कभी दोस्तों, एकदम मंगलमय जीवन हो जाएगा आपका। नंबर 24 का मैं वीडियो आपको बना चुका हूं, तो आपको क्या करना है उसी टाइम में आपको हाथ मुंह वगैरह धोके फ्रेश होके साफ सुथरे होके यहां पे इस जगह पे आप नंबर 24 लिखेंगे और इस नंबर को लिखते हुए आप बोलेंगे शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और भगवान को सुबह उठ के दोस्तों सबसे पहले थैंक्स बोलना सीख लीजिए, आप धन्यवाद बोलना सीख लीजिए। जितना आप ग्रेटिट्यूड देंगे, जिस जिस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे वो चीज आपके पास बढ़ती जाएगी। अगर आप शिकायत करेंगे तो आपके पास शिकायतें बढ़ती जाएंगी। और सुबह को दोस्तों आपको ये भी जरूर बोलना है कि थैंक्स फॉर दिस डे, आज का दिन मुझे देने के लिए कि मैं सांसें ले रहा हूं, आज मैं देख पा रहा हूं, आज मैं चल पा रहा हूं, इन सब चीजों के लिए आपको धन्यवाद देना है भगवान को। और जब आप धन्यवाद देंगे तो आपके सामने और अच्छी चीजें आकर्षित होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपने भगवान से सुबह से आप उठ गए, आप टेंशन लेके बैठ गए मेरे साथ में ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं देंगे, शिकायतें करेंगे, तो सुबह से दोस्तों आपके पास शिकायत आना शुरू हो जाएगी। तो जैसा मैं विधि बता रहा हूं दोस्तों, ये विधि अगर आप कर लेंगे करोड़पति क्या अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। और ये मेरा खुद का अनुभव है दोस्तों कि मुझे कुछ भी चीज चाहिए तो मैं ये इसी क्रिया को करता हूं और आज मैं हमेशा इस क्रिया को दोहराता हूं और मुझे इसका रिजल्ट भी मिलता है। और मैं आपके सामने ऐसी ही चीज लेके आता हूं जो टेस्टेड होती है, जो वर्क करती है, रिजल्ट देती है। बस दोस्तों बात आती है कि आपके विश्वास की, आपकी फेथ की, कि आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। सबसे पहले विश्वास लाना बहुत जरूरी है। और भगवान को ग्रेटिट्यूड करना सीखिए, धन्यवाद देना सीखिए, उसके बाद में देखिए, क्योंकि ऊपर जो भगवान बैठे हुए हैं उन्हें सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, वो सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं तथास्तु। आप अगर बोलेंगे मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में वो नहीं है, तो भगवान बैठे वहां से बोलते हैं तथास्तु, तो और आपके पास में जो है वो भी चला जाएगा। आपके पास में नहीं है कोई चीज, लेकिन आप फील करिए उस चीज को कि मेरे पास है, वही चीज आपके आपके पास। दोस्तों ये नियम कर लीजिए कि आपको कोई चीज चाहिए तो उस चीज को ऐसे रखिए अपने दिमाग में कि मेरे पास है प्रेजेंट टेंस में, और भगवान को धन्यवाद बोलिए कि वो चीज आपको मिल चुकी है। ऑटोमेटिक आपके पास वो चीज आकर्षित होने लगेगी, आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए, इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। और वीडियो को अपने दोस्तों में, भाइयों में, परिजनों में सब जगह शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।